हेलो एवरीवन आप सभी वेलकम हमारे प्लेटफॉर्म है लाइट पर और आज मेरे पास है फिजिक्स चैप्टर टू का एक और क्वेश्चन जो कि सी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन हैज स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटीरियल इज इन कैप्टन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट इफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्लैब इज ई एंड इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई पी देन द डायलैक्ट्रिक कॉन्सटेंट ऑफ द मटीरियल इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पर क्या है कि हमारे पास डायलेक्ट्रिक है ऐसे लेते हैं डायरेक्टर लेते चलो एक ठीक है और इसको रखा हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हमारे पास यूनिफॉर्म ठीक है जो हमें दी गई है कितनी ई e नॉट अब एक डायलैक्ट्रिक में क्या होता है कि एक अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होती है पर वो कैंसिल नहीं कर पाती है बार वाली को यानी कि जब मैंने इसको डाला इलेक्ट्रिक फील्ड में तो इसकी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बनी ई e पी ठीक है पर लेकिन ये इनफ नहीं थी कि इस ई नॉट को कैंसिल कर पाती मतलब अंदर कुछ ना कुछ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हो गया होगी ई और ये किसके इक्वल होगी ई जो हमारे बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड थी और जो इसने कैंसिल करने की कोशिश की ठीक है और हमको पता है कि हमारा ये जो डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट होता है के कि ये किसके इक्वल होता है ये होता है हमारा परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू तो द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ठीक है यहाँ फिर हम इसको लिख सकते हैं फोर्स इन फ्री स्पेस फोर्स इन मीडियम या फिर के इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इन फ्री स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम देखो फ्री स्पेस में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है ई e नॉट ठीक है और मीडियम मतलब डाइलेक्ट्रिक में क्या हमारी ई e. और ई e किसके इक्वल है ई नॉट माइस ई पी ठीक है ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो अंदर इंड्यूस हुई है ठीक है यानी कि कौन सा आंसर आ गया हमारे पास फोर्थ यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर तो था तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन ऐसे क्वेश्चन मेरे चैनल पर भी हैं आप जाकर सॉल्व कर सकते हो और ऐसे क्वेश्चन के लिए हम जानकारी सब्सक्राइब भी कर सकते हो थैंक यू